हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साक्षत रसोई। आज हम बनाने जा रहे हैं पॉपकॉर्न और गुड़ के लड्डू। ये बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद होते हैं और बड़ी ही आसानी से घर पर बनाए जा सकते हैं। तो इसे एक बार बनाकर हम एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख देंगे और जब भी हमारे किड्स डिमांड करें तो आराम से उन्हें खिला सकते हैं। इसे एक बार बनाकर हम महीनों तक रख सकते हैं। तो चलिए पॉपकॉर्न के लड्डू बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने हाफ कप मक्की के दाने ले लिए हैं और 3/4 कप गुड़ को तोड़कर ले लिया है। ये मान के चलिए इस कटोरी से मैंने एक कटोरी मक्की के दाने लिए हैं, इस कटोरी से थोड़ा सा ज्यादा मैंने गुड़ भी ले लिया है। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं। एक पैन को गर्म होने के लिए रख देंगे और इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा तेल, आप चाहे तो बटर भी ले सकते हैं, और इसमें डाल देंगे हम मक्की के दाने और इन्हें एक बार अच्छे से फैला देंगे अच्छे से और इसको हम ढक देंगे। और ये देखिए पॉपकॉर्न बनना हमारे शुरू हो चुका है। देखिए मक्की के दाने पॉप अप होना शुरू हो चुके हैं। तो अब पॉप अप होना बंद हो चुका है, तो हमारे पॉपकॉर्न एकदम तैयार हो चुके हैं। इसे खोल लेते हैं और एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो पॉपकॉर्न को हमने एक प्लेट में निकाल लिया और सेम पैन में हम गुड़ के चाशनी तैयार करेंगे। तो गुड़ को हमने डाल दिया और इसे मेल्ट करेंगे। इसे लगातार हम चलाते रहेंगे। थोड़ा सा गुड़ हमने बचा लिया था, वो भी हमने डाल दिया और अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच देसी घी और अच्छे से चलाते हुए गुड़ को हम मेल्ट करेंगे। ये देखिए गुड़ हमारा एकदम मेल्ट हो चुका है और इसमें बबल्स आना भी शुरू हो चुका है। तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारा गुड़ तैयार हुआ कि नहीं। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि ठंडे पानी में आप गुड़ की एक ड्रॉप डाल दीजिए और अगर वो जो ड्रॉप है लड्डू की तरह बन जा रही है तो यानी गुड़ हमारा एकदम रेडी हो चुका है। देखिए ये देखिए गुड़ हमारा एकदम लड्डू की तरह बन जा रहा है, यानी गुड़ हमारा एकदम रेडी हो चुका है। गैस की फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और अब इसमें हम पॉपकॉर्न ऐड करेंगे और अब हम इसे चलाते हुए फटाफट इसे चलाते हुए गुड़ और पॉपकॉर्न को अच्छे से मिक्स करेंगे। फटाफट हमें ये प्रोसेस करना है, गुड़ को ठंडा होने नहीं देना है। और ये देखिए गुड़ और पॉपकॉर्न अच्छे से आपस में मिक्स हो चुके हैं, सभी पॉपकॉर्न पे अच्छे से गुड़ लग चुका है। अच्छे से मिक्स हो चुका है और अब हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो बड़ी ही सावधानी से बनाएंगे क्योंकि जो पॉपकॉर्न और गुड़ है काफी गर्म है, तो थोड़ा सा पार्ट्स लेंगे और ऐसे दोनों हाथों से हम इसके लड्डू बनाएंगे। देखिए पहला लड्डू हमारा तैयार हो चुका है, फिर ऐसे थोड़ा सा लेंगे और इसके लड्डू बनाएंगे। ऐसे ही हम सारे पॉपकॉर्न और गुड़ से लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं और बहुत ही आसानी से, जैसा कि आपने देखा, बहुत ही आसानी से हमने गुड़ और पॉपकॉर्न के लड्डू बनाकर तैयार कर लिए। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और मकर संक्रांत आ ही रही है, तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें।
और अपने किड्स को इस बार खिला कर देखिए, इन्हें बनाइए और एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख दीजिए। अगर मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।